हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सिंपल जो मैंने असाइनमेंट में आप लोगों को दे रखा था, बेसिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डायमेंशन एनालिसिस का टॉपिक, तो उसमें मैंने डायमेंशन कैसे निकालते हैं जस्ट मैंने एक दो एग्जाम्पल देकर समझाया था, बट आज कल हम लोग उसको डिटेल में प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट का डिस्कशन। सबसे पहले मैंने दे रखा था इसका मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होता है? दूसरा चीज मैंने रखा था प्रेशर का क्या होता है? डायमेंशन। तीसरा दे रखा था मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो चौथा दिया था मैंने वो दिया था पावर का, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पांचवा दे रखा था वो दे रखा था प्रेशर का हो गया, मोमेंटम का हो गया, पावर का हो गया, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का। देखिए नंबर से जुड़ हो सकता है, हो सकता है मैंने डेंसिटी को पहले दिया हो फिर मोमेंटम को बाद दिया हो, ऐसा हो सकता है, बट मैंने इतना दे रखा था। उसके बाद एक और प्रॉब्लम दे रखा था मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, उसमें मैंने फॉर्मूला आपको दे रखा था और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या मैंने लिखा था, डिस्प्लेसमेंट लिखा था, सॉरी डायमेंशन लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेंसिटी का कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ। सिंपल ऐसा मैंने लिया है जो आपको अब तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा जो आप लोग अब तक ना पढ़े हो, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे चैप्टर आएगा सर्फेस टेंशन वगैरह आएगा, बहुत सारे फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल पढ़ेंगे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, तो उसका आप लोग खुद खुद निकाल लेंगे, ठीक है। बट पहले हम लोग सीख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डेंसिटी का कैसे निकालते हैं। तो आप लोग डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये सबको पता है। तो मैंने क्या बताया था, जो मास का डायमेंशन होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम का क्या होता है? एल टू द पावर थ्री होता है, मतलब एल टू द पावर थ्री लिखा। उसके बाद सिंपल आपका आंसर आ चुका है एम एल टू द पावर प्लस के नीचे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस थ्री मतलब एम एल टू द पावर माइनस थ्री। अब टी इसमें इंक्लूड करना होता है ए टू द पावर जीरो दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई डायमेंशन, यहाँ पे टाइम का यूनिट नहीं है, इसलिए मैं टाइम का डायमेंशन वहां तक नहीं माना हूँ। इस टाइम का डायमेंशन होगा यहाँ पे जीरो होगा और टी टू द पावर जीरो होता है वन। डेंसिटी का हम लोग निकाल चुके। उसके बाद मैंने कर रहा हूँ प्रेशर। पहला डेंसिटी होकर मतलब एज पर दिस दिस इज रिटन एज क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला काफी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इनफैक्ट परपेंडिकुलर फोर्स नो डाउट, बट फिलहाल फोर्स समझ लेते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? फोर्स आप लोग पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए होता है, ठीक है। तो एम क्या है? मास है, तो मास का डायमेंशन होता है एम होता है। ए का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब एल टी टू द पावर माइनस टू। एल क्या हो गया? मीटर हो गया। टी क्या हो गया? सेकंड हो गया। और ए मतलब सेकंड मीटर मीटर हो गया पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जिसका डायमेंशन हो गया फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी टू द पावर माइनस टू। अब ये चीज हम लोग यहां पे लगा देते हैं एम एल टी टू द पावर। वैसे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जो डायमेंशन है याद हो जाएगा, बट कहीं पैदल याद ना हो तो ऐसे आपको साइड में निकाल लीजिएगा। फोर्स का क्या होता है? एम इन टू ए होता है। उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है? केसी होता है। केसी का मैंने क्या बता रखा था, या फिर मैंने मास के लिए क्या बता रखा था? सिंपल कैपिटल एम। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का क्या होता है? वी अपॉन टी होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का क्या होता है वो आप लोग निकाल लेंगे। वैसे वेलोसिटी का भी ना आए तो क्या करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ वही बता रहा था, एक्सेलरेशन का निकालने के लिए। एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या बताया?
कि v अपॉन t होता है, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो लिख देंगे, और अपन टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी होता है। तो यहाँ पे बाय द वे वेलोसिटी का बिना क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर होता है, या फिर वो लेंथ है इसका मतलब, तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, कैपिटल एल होता है, और उसके बाद पर यूनिट टाइम करेंगे, मतलब वहां से भी आप लोग जा सकते हैं, बट ऐसे आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे m n टू द पावर माइनस टू हो गया, और एरिया क्या होता है बच्चों, मैंने कल करा रखा था, m टू द पावर टू होता है, तो इसका मतलब इसको सबसॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, m l ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे m टू द पावर माइनस टू और t टू द पावर माइनस टू, इसको जरा सॉल्व करें, m l टू द पावर माइनस वन और t टू द पावर माइनस टू, इसका आंसर क्या हो गया, m l इनवर्स t टू द पावर माइनस टू, ठीक है। तो प्रेशर का भी निकाल चुके, अब क्या करेंगे, मोमेंटम का निकालना है, मोमेंटम का क्या होगा, ये भी आसान है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, m into v होता है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m into v होता है, m क्या होता है, मास होता है, तो मास हमें क्या बता रखा था, कैपिटल m, v क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी आप लोग तो पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, तो l सिग्नल किया और टाइम को यहां पे t से, और ऊपर से चला जाएगा तो t इनवर्स, तो यहां पे l into t to the power minus, मतलब m into t minus 2 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंटम का डायमेंशन, सेम चीज आप लोग किसका निकालेंगे, डेंसिटी का हो चुका, प्रेशर का हो चुका, मोमेंटम का हो चुका, अब निकालते हैं पावर, पावर का भी आसान है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और टाइम में फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी हमने निकाला है, किसने निकाला, प्रेशर ने, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया करते वक्त मैंने क्या बताया था, फोर्स का डायमेंशन बताया था, फोर्स का डायमेंशन मैंने क्या बताया था, m l t माइनस टू d है, क्या है, डिस्टेंस है या तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे हम इसका लेंथ, लेंथ से डिवाइड करते हैं, इसका डायमेंशन कैपिटल l हो गया, और t क्या होता है, ऊपर चला जाएगा, t इनवर्स हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करें, m l दो बार है जोड़ देंगे और t टू द पावर माइनस मतलब m l टू t माइनस ये होता है किसका, पावर का डायमेंशन, ध्यान दीजिएगा क्या है, पावर, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन दोनों से निकाला, उसके बाद अगला जो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ऐसे सिंपल वन डायमेंशन में, और ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कुछ एंगल बनाता है, जैसे मैंने आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, इसके पहले यूनिट में मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में मैंने बताया था रेडियन बनाने के बारे में, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बता रखा था, आर और यूनिट रेडियस, तो आर क्या है, लेंथ है, तो एल हो गया, रेडियस क्या है, ये भी लेंथ है, एल हो गया, इसका डायमेंशन क्या होता है, 1, कटिंग एंगल कितना हो जाएगा 1, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायमेंशनलेस क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। यदि नेट वैल्यू 1 आ जाती है इसका मतलब उसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इंटरेस्टर कोई डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था, एक दिया था आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे होंगे कि जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, वो कितना मैंने बता रखा था, ऐसे ऐसे मैंने फॉर्मूला मैंने बता भी रखा था, अब क्या होता है, जी एम वन m2 upon r square, जहां पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसी का तो डायमेंशन निकालना है, m क्या है, मास है, m m2 क्या है, ये भी मास है, r क्या है, रेडियस है, उन लोगों के बीच का डिस्टेंस होता है, यहां पे डिस्टेंस का भी क्या है, m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो, और ये क्या है, फोर्स है, तो यहां से g का निकालना है, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, f r square upon m1 into m2, सिंपल मैथमेटिक्स, फोर्स का अगर हम लोग निकालना है डायमेंशन कितना होता है, m l t माइनस टू होता है, रेडियस है, लेंथ है, इसका मतलब l टू द पावर
टू हो जाएगा, एम वन एम टू मास है तो कैपिटल एम और यहाँ पे कैपिटल एम। सिंपल मैथमेटिक्स, एक से एम एक एम से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे एल एल हो जाएगा एल टू दावर थ्री टी टू दावर माइनस टू एम इनवर्स, ठीक है। प्रोसेस ठीक है तो एम इनवर्स, ठीक है, एल टू दावर थ्री और टी टू दावर माइनस टू। तो एक इसका डायरेक्शन हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया। मतलब हम लोग ऐसे निकालते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं क्या डायमेंशन इसी फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जो अगला लेक्चर जो होगा अपना वो क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए होगा, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 होगा वो, फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 का क्या था, न्यूमेरिकल था, मैंने असाइनमेंट दिया था, ठीक है। अब जो होगा कॉन्सेप्ट्स डायमेंशनल एनालिसिस जो बचा हुआ है उसको हम लोग अगले लेक्चर कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।